प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, शनि का परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है, हर क्षेत्र में अपना परिवर्तन दिखाएगा, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन जो वो आने वाले समय में करेगा वो इस पृथ्वी के वातावरण पर करेगा। पृथ्वी के वातावरण में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले अगले 3 से 4 वर्षों में हम जरूर देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग उसकी एक बहुत बड़ी समस्या भी रहेगी और जलवायु में परिवर्तन का असर इतना व्यापक होगा कि उसका तुरंत समाधान शायद इस पृथ्वी पर रहने वाले हम जीवों के पास नहीं होगा। ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र के जल स्तर का ऊंचा होना, कहीं पर बिल्कुल सूखा पड़ जाना, कहीं पर अतिवृष्टि होना, कई गर्म इलाकों पर वातावरण का ऐसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा जहां टेम्परेचर में आपको बहुत कमी नजर आएगी और कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां अभी वर्तमान के अंदर टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में वहां आपको टेम्परेचर बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी भौगोलिक दृष्टि से यदि हम देखें तो जो क्षेत्रीय इलाके होते हैं, जो ठंडे प्रदेश हैं, वहां पर तापमान का बढ़ना और जो गर्म प्रदेश है वहां तापमान का कम होना, जहां अत्यधिक वर्षा होती है उन स्थानों पर वर्षा का कम होना और जहां बिल्कुल सूखा पड़ता है वहां पर अधिक वर्षा का होना, ऐसे परिवर्तन आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। और ये सब मानव के द्वारा किए गए उन कार्यों का नतीजा होगा जिसमें हमने पर्यावरण की बिल्कुल अनदेखी की है। ऐसे में प्रदूषण का एक अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाना, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अंतरिक्ष कार्यक्रम के कारण से ओजोन मंडल के अंदर छेद का बड़ा होना, वहां से पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी पर आना, ये सारे के सारे घटनाक्रम इस तरह के हैं जो एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय के अंदर इस पृथ्वी पर करने वाले हैं। और ये क्यों होगा? क्योंकि शनि भी अपनी मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे जो उनकी वायु तत्व की राशि है। ऐसे में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ जो भी हम कर चुके हैं उसके व्यापक और गंभीर परिणाम आने वाले 3 से 4 वर्षों में हमको देखने को जरूर मिलेंगे और इसके संकेत हमें 2021 से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी हम देख भी रहे हैं, वर्तमान के अंदर भी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है और आने वाले समय में हम इन परिस्थितियों को बढ़ता हुआ भी देखेंगे। ऐसे में आने वाले समय के अंदर विश्व के सामने पर्यावरण को बचाने की एक गंभीर चुनौती भी होगी और इसमें हम सबका भी बहुत बड़ा योगदान अवश्य होगा, क्योंकि हमारे स्तर पर भी रोज न जाने कितना प्रदूषण फैलाया जाता है, चाहे फिर वो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या किसी और तरीके से, लेकिन हम भी अपना पूरा सहयोग प्रदूषण को बढ़ाने में जरूर कर रहे हैं। प्लास्टिक का उपयोग हो या फिर अत्यधिक मात्रा में अनावश्यक वाहनों का प्रयोग हो, उसके द्वारा भी जो गैस निकलती है वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। हालात ये हैं कि हमें यदि 200-500 मीटर दूर जाना हो तो भी हम वाहन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी हमारी प्रवृत्ति, घर घर के अंदर एसी लगे हैं, हर रूम के अंदर एसी हैं, अनावश्यक उनको चलाना, बिना जरूरत के भी उनको चलाए रखना, ऐसी बहुत सारी प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं जो प्रदूषण के स्तर को बढ़ाती हैं। और अब ये आने वाले समय में बहुत ही गंभीर विषय होने वाला है और एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने पर्यावरण को लेकर के आने वाली है। ऐसी ग्रहों की परिस्थिति हमें स्पष्ट तौर पर संकेत दे रही है, यानी हमें अब प्रकृति मजबूर करेगी आने वाले समय के अंदर पर्यावरण सुधारों को करने के लिए। हमारी मजबूरी होगी, हमें चाहे कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो रहा हो, हमें मजबूर होकर के ही सही पर्यावरण को सही रखने के लिए बड़े ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे। ये ग्रहों की परिस्थिति अब ये संकेत दे रही। ऐसे में दर्शकों, हमारा भी ये दायित्व है कि हम आने वाले समय के अंदर
इस पर्यावरण की समस्या को समाप्त करने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए, आने वाली भावी पीढ़ी को एक सुरक्षित संसार देने के लिए अपना योगदान भी अवश्य दें, और उसी के लिए एक मुहिम हम सबको चलानी भी चाहिए। और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं मेरा जो योगदान दे सकता हूं पर्यावरण को सुधारने में, वो अवश्य दूंगा। और यदि मुझे उसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत हुई तो मैं आप लोगों का सहयोग भी जरूर लूंगा। लेकिन दर्शकों, घबराइए मत, वो सहयोग आर्थिक नहीं होगा, केवल आप लोगों का मन से और तन से मेरे साथ जुड़ना, बस यही सहयोग मैं आप लोगों से अपेक्षित करता हूं। शीघ्र ही मैं इस पर कोई कार्य योजना बनाकर भी आप लोगों के सामने जरूर एक वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन विषय गंभीर है, ज्योतिष के अंदर भी इसका सीधा संबंध बनता है, क्योंकि मौसम, ऋतुएं, पर्यावरण, ये सभी ज्योतिष का हिस्सा है। और ऐसे में हम इसकी अनदेखी करें ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए समय रहते हम सबको मिलकर के इस संदर्भ में भी कोई ना कोई ठोस प्रयास अवश्य करना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।